मोदी की आनी है, कोई दलित कार्ड खेले तो खेले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। ये तो चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सही पूछो तो आप। इन्होंने बहुत कुछ किया है, मायावती ने ऐसा ऐसा काम किया जो रुके हुए काम थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल तो बेचारा एक गरीब का झंडे लाता, बड़े मर गए मायावती को वोट देते देते, हम कहाँ जाएंगे? हम भी मायावती के पास जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। 2019 की रणभेरी बच चुकी है और मायावती भी इस वक्त टेंशन में है। टेंशन पैदा की चंद्रशेखर की एक मुलाकात ने प्रियंका गांधी के साथ। क्या चंद्रशेखर का समर्थन कांग्रेस में जा रहा है या फिर मायावती अपने वोट बैंक को संभाल पाएगी? सवाल यही है, इन दोनों में आखिरकार कौन जीतेगा और दलित क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, यही बात इस बार बेबाक। अब तो चुनाव आ गए, कहां पर पिक्चर आपने बनाई है कि उसको इस बार प्रधानमंत्री बनाऊंगा? कौन है वो तमाम नेताओं में से आपके हिसाब से कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते हैं, जब ऐसा होगा तो डिसाइड करेंगे। जैसे किसी को बनाना, डिसाइड हो जाना चाहिए, अब तो कुछ ही दिन रह गए, एक महीना भी नहीं रहा। आपको क्या लगता है, मायावती, मोदी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी, कौन दिख रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार? फिलहाल तो सारी चर्चा मोदी की कर रहे हैं। कैसा काम रहा, फेल रही सरकार, पास रही? कुछ कम रही, कुछ बढ़िया रहा, एक करी हल्का फुल्का चलता रहा काम। अच्छा, हाँ। तो मोदी आएंगे कि जाएंगे वापस? अभी कुछ पता नहीं है, टाइम बताओगे तो। टाइम बता, हाँ अभी कुछ पता नहीं। एक और चर्चा भी लगातार चल रही है कि मायावती जो है गठबंधन में कांग्रेस को नहीं लिया, लेकिन चंद्रशेखर के साथ कांग्रेस ने बातचीत करना शुरू कर दिया है और मायावती की दिक्कतें बढ़ गई। अगर ये बात हो कि चंद्रशेखर और मायावती में से किसे चुना जाए, तो आप क्या बताएंगे किसे चुना जाए इनमें से? हमारे हिसाब से मायावती चुने जा रही। आपके हिसाब से मायावती, क्यों जी? चंद्रशेखर और मायावती में से किसी को चुनना हो तो किसे चुनेगा आज का युवा? मायावती को चुनेगी। मायावती को जी। चंद्रशेखर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ मजबूती कांग्रेस की बढ़ जाएगी? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है सबसे बढ़िया बात तो यह है कि भैया मोदी की सरकार केंद्र में आएगी। मोदी की आनी है, कोई दलित कार्ड खेले तो खेले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। ये तो चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सही पूछो तो आप। मतलब कैसा रहा इनका जो शासन पहले? ये देखो आप, जब आप जो है किसी एक जगह, हम जो है 10 जने मालिक होएंगे एक जगह के, हैं तो हम कहेंगे नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मैं ऐसे करूँगा, मैं जो ऐसे करूँगा। और जो एक घर का मेंबर सदस्य होगा और उसके घर में चाहे 10 बच्चे हैं उसके, वो उन्हें जैसी भी आज्ञा दे देगा, वो ऐसे ही काम करेगा, कामयाबी होगी। और बाकी जो है ना, मैंने तेरी माँ पकड़ ली, उनने उसकी माँ पकड़ ली, उनने उसकी टांग पकड़ ली, ये तो एक जो है बस एक इकट्ठे होएंगे और बाद में देखना क्या होता है इनका। बाद में पता चलेगा क्या होगा, क्या होगा जी बाद में, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बस जी देखो जी क्या होगा, ये तो सरकार बताओगे जी, ये तो पब्लिक बताओगे जी, तो पब्लिक बताएगी, जनता है जो सब जानती है। बाकी मायावती और चंद्रशेखर में से कौन जीतना चाहिए? फिलहाल तो जी मायावती जीतनी, मायावती और चंद्रशेखर। चंद्रशेखर देखो जो तो उसकी बात है जी, उसकी बात है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस बार, किस करवट बैठ रहा है ये ऊँट उत्तर प्रदेश के अंदर? मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर बस एक ही शब्द में पूरा बस हो गया काम पूरा। और ये मायावती, अखिलेश और सारे मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि खेल खत्म भी होगा? ना मुझे लगता नहीं। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जो हुआ था खत्म नहीं खोल भाई जी। इस बार क्या लग रहा है भाई? इस बार क्या लग रहा है कि घर के जो बड़े बड़े सदस्य हैं मर गए, मायावती को वोट देते हैं, हम तो बहन कुमारी के साथ है देना है। लेकिन यही तो बड़ी बात है कि मायावती या चंद्रशेखर वो कांग्रेस में जाते दिख रहे हैं। मायावती बहन को, चंद्रशेखर को बाय बाय, सब बाय। अच्छा, सब बाय, सब बड़े मर गए मायावती को वोट देते देते, हम कहाँ जाएंगे? हम भी मायावती के पास जाएंगे। और चंद्रशेखर राजनीति कर रहे हैं दलितों की, भूल गए हम उन्हें, भूल गए, करते रहो राजनीति जी, सब अपनी मर्जी से कुछ भी करे, हमें किसी से कोई लेना देना, कोई कुछ। आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर बस ऐसे ही दिखा रहे हैं वोट बैंक का? बस जी हमें तो पता नहीं, हम तो करते नहीं इस काम को ना, हम बीमार में मैं ना। क्या क्या कह रहे हो? चंद्रशेखर हरावेगा मोदी को। लेकिन बात ये नहीं है, चंद्रशेखर मोदी को तो तबराई में मोदी के सामने होंगे, लेकिन ये है कि वो मायावती की वोट बैंक को कमजोर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो तो गठबंधन है, वो तो गठबंधन है, वो तो कांग्रेस में जाते दिख रहे हैं, नहीं जा सकता। अच्छा, दोनों में से किसी एक को चुनना हो, मायावती चंद्रशेखर, किसे चुनेंगे आप? मायावती को चुनेंगे। और चंद्रशेखर का क्या? चंद्रशेखर तो उसके साथ में खड़ा, उसने मना कर दिया क्या? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कह दिया जो मोदी के घर आएगा अब उसके साथ है। चंद्रशेखर जो है उसे सपोर्ट दे रहा। अच्छा, हाँ जी, मायावती की
अखिलेश भी प्रधानमंत्री तो खड़े हो तो आप किसे वोट देंगे? मैम तो मायावती को देंगे, चंद्रशेखर को नहीं, यानी गठबंधन के साथ। हाँ जी आप बताओ, गठबंधन आपके बार मायावती सरकार और चंद्रशेखर का क्या होगा? वो तो हमारा भाई है, उसे तो फिर भी हम साथ रखेंगे। वो तो भाई है हमारा, हाँ वो छोटमलपुर का रहने वाला है, मासन वाले के, वो तो पता है सबको, वो तो मुझे भी पता है। इस बार मायावती सरकार, इस बार मायावती सरकार, मोदी भाई 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 भाई। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? प्रधानमंत्री 272। अजी चलो 272, हाँ 200 सौ चाहिए विधानसभा में, 272 तो 272 सीटें कैसे आएंगी? ये गठबंधन नहीं हो रहा क्या? चार पार्टियां मिल गई हैं। कहाँ मिल गई? कांग्रेस, अगर 14 सीटें कर्नाटक में अजय देवगौड़ के पास थी, प्रधानमंत्री बन गया था। मायावती को 50 चाहिए खाली, बस 40 तो प्रधानमंत्री मायावती, हाँ 40 को 40 सीटें मिलती है तो प्रधानमंत्री मायावती बनेगी, यह गारंटी की बात है। 40 अगर 40 मिल गई, ये तो काशीराम का कहना था, हाँ 40 दे दे, सोनिया की मजबूरी अपने आप बन जाएगी, वो मोदी को नहीं आने देगी, वो अपने आप देगी, समर्थन देगी मायावती को। अच्छा। बिल्कुल जी। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल तो बेचारा करीब मिला का झंडे लाता, कांग्रेस भी ममता बनर्जी भी समर्थन देगी मायावती को, मायावती को तृणमूल कांग्रेस पार्टी। चंद्रशेखर बात कर रहा है कांग्रेस की, आप बात कर रहे हो मायावती की। मिलने मेरठ गई थी, उसने कहा कि मोदी के सामने खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं कुछ नहीं, हमने लगा आपका मायावती तो आज तक चंद्रशेखर से मिली भी नहीं, देखिए बात नहीं हुई। क्या दिखाई दे रहा है इस बार, कौन जीत रहा है, मोदी मायावती राहुल गांधी? 80 सीटें से मिलेंगी, बसपा और गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश, 80 एक नहीं मिलती किसी को भी, एक नहीं मिलती किसी को भी। और चंद्रशेखर जो है ना समर्थन इन्हें कांग्रेस को नहीं। एक बात बताओ, रुक तो जाओ, सुन तो लो, दलितों का आज तक कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ, कि वोट ले लिया और भूल गए सब? कुछ नहीं करा उन्होंने किसी ने भी। अच्छा मायावती कुछ कर पाई कि नहीं? पर सिर्फ वोट, मायावती ने बहुत कुछ किया है, मायावती ने ऐसा ऐसा काम किया जो रुके हुए काम थे, इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, ना भाजपा ने किया ना कांग्रेस ने किया। हमारे गांव में मायावती की देन है। हाँ जी, दूसरी पार्टियां, चलिए ये तो सब सरमाएदारों की सरकार है। तो साफ तौर पर तमाम लोगों से बातचीत की, चंद्रशेखर मायावती के बारे में भी बात की कि जनता कहाँ जाएगी, जनता ने अपना मत सुना दिया कि उनको क्या लगता है। 2019 चुनाव अभी बड़ा दिलचस्प है और आगे आगे तस्वीर और ज्यादा बदलेगी। आप लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।